हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि विटामिन ई के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, विटामिन ई के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी हो रही है तो आप इन सभी सोर्सेज का यूज करके विटामिन ई की डिफिशियंसी फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं है, आप विटामिन ई के सोर्सेज डेली ले रहे हैं, तो आपको उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। विटामिन ई लेने से क्या होता है, अगर आपकी आर्टरीज जो है ब्लॉक हो चुकी हैं, जो लोग कोलेस्ट्रॉल मतलब जो है ज्यादा फैटी चीजें खाते थे, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा और वही कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में धीरे धीरे जमने लगता है, जिससे आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और फिर क्या होता है, हार्ट अटैक या फिर हार्ट से रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपनी आर्टरीज को अनलॉक करने के लिए भी आप विटामिन ई के सोर्सेज ले सकते हैं, विटामिन ई जो है ले सकते हैं। अगला जो है वो है फैटी लीवर। अगर किसी का लीवर फैटी हो चुका है तो उस लीवर को ठीक करने के लिए, फैटी लीवर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। अगला है वो है क्रैम्प ड्यूरिंग द पीरियड या मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के समय अगर दर्द हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, तो उस समय जो है विटामिन ई के सोर्सेज अगर आप ले रहे हैं या विटामिन ई आपकी बॉडी में है, तो वो क्या करेगा, मेंस्ट्रुएशन पेन को ठीक कर देता है। अगला है वो है बूस्ट द ब्रेन पावर, मतलब हमारी मेमोरी पावर को, हमारे इंटेलिजेंस पावर को भी विटामिन ई क्या करता है, बढ़ा देता है। इसलिए विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला है गुड फॉर द स्किन एंड गुड फॉर द हार्ट। हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है और हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने देखा होगा, स्किन के लिए बहुत सारे स्किन केयर रूटीन जो लोग फॉलो करते, जो भी फीमेल, वो विटामिन ई के कैप्सूल का यूज जरूर करती हैं। आप विटामिन ई को जो है अपने ऑयल के अंदर मिक्स करके अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन ई ले लीजिए, इसका कैप्सूल ले लीजिए और रोज वाटर ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए, तीनों चीजों को प्रॉपरली मिक्सअप करके आप इसे अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एज अ मॉइस्चराइजर वर्क करेगा और उसके साथ साथ आपकी होल स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। और ये क्या है, एक प्रकार का मतलब नेचर की दी हुई चीजें हैं जिनका यूज करके हम अपने स्किन को ग्लो कर सकते हैं, स्किन पे ग्लो ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप विटामिन ई का अपने जो है फेस पे, अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि विटामिन ई के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, किससे हमें विटामिन ई मिलता है। फ्लैक्सीड से मिलता है। फ्लैक्सीड कैसे खा सकते हैं, आप उसका लड्डू बना के रख लीजिए, एक लड्डू हर दिन खाइए, नहीं तो आप एक चम्मच पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद सुबह उसे पी लीजिए, नहीं तो हल्का सा रोस्ट करके आप फ्लैक्सीड का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से सनफ्लावर सीड का भी यूज कर सकते हैं, या दोनों चीजों को मिक्स करके आप उसका लड्डू बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप उन दोनों को मतलब एक एक चम्मच हल्का सा रोस्ट करना है फिर आप उसे खा सकते हैं। और स्पिनच पालक का यूज कर सकते हैं, पालक के अंदर भी विटामिन ई हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बादाम में भी पाया जाता है विटामिन ई। कैसे खाना है, 7 से 8 बादाम रात में भिगो दीजिए, सुबह मॉर्निंग में उस बादाम का यूज कर लीजिए। नेक्स्ट है रेड बेल पीपर का भी इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पीनट, मूंगफली, हर दिन मूंगफली खाइए, थोड़ी थोड़ी मूंगफली खाइए, इससे भी आपको विटामिन ई अच्छा खासा मिलेगा। कच्ची मूंगफली या हल्का सा उसे रोस्ट करके भी आप खा सकते हैं। ब्रोकली के अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है, तो ब्रोकली का भी यूज कर सकते हैं। कीवी के अंदर भी विटामिन ई होता है, टोमेटो के अंदर भी विटामिन होता है। टोमेटो खाइए, कीवी खाइए, पीनट खाइए, इन सभी चीजों के अंदर हाई अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। अगर इन सभी चीजों में से हम किसी भी एक चीज का हर दिन यूज कर रहे हैं तो हमारे अंदर कभी भी विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी ना हो उसके लिए आज से इन सभी सोर्सेस का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि वो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिले जो हमने आपके साथ शेयर किया। हर एक प्रकार के विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके साथ साथ बॉडी में बहुत अच्छे रोल भी परफॉर्म करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी प्रकार के विटामिन की डिफिशियंसी ना हो उसके लिए आप हर दिन अपने ग्रेन्स को चेंज करिए, हर दिन अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल का यूज करिए, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स का यूज करिए, एंड यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, ताकि आप अपनी बॉडी को फिट, फाइन एंड डिजीज फ्री रख सके।